इस वीडियो को देखने वाला ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ के अंदर कभी पैरासीटामोल ना खाई हो, चाहे वो नॉर्मल खांसी हो, बुखार हो, चाहे वो सर का दर्द हो। सबसे पहला जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं खुद से होता है पैरासीटामोल। अगर डॉक्टर भी आपको बेसिक सा ट्रीटमेंट एडवाइस करता है तो उसके अंदर पैरासीटामोल होती ही है। तो ये पैरासीटामोल इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो रही है एंड इसके यूजेस क्या होते हैं, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। पैरासीटामोल जिसका केमिकल नेम है एसिटामिनोफेन एंड इसके अलग अलग ब्रांड्स आने लगे हैं मार्केट के अंदर। पैरासीटामोल जो है वो होता है जेनरिक नेम, मतलब इस नाम की अलग अलग दवाई आ सकती है, बट एक होता है आपका ब्रांड नेम या फिर कहिए ट्रेड नेम, जिसको कंपनीज जब पैरासीटामोल को बनाना शुरू करती हैं तो उसको अपने नाम से बेचती हैं। सबसे फेमस कंपनी जो हो गई थी कोविड टाइम के अंदर वो थी डोलो। डोलो ने जो है पैरासीटामोल को बहुत बुरी तरह से बेचा था एंड एक एलिगेशन भी आ रहा है डोलो के ऊपर जिसमें बताया जा रहा है कि डोलो ने डॉक्टर्स को पैसे देकर ये दवा बेची थी कि आप इस दवा को फेमस कर दो। डोलो हुई एंड आपकी क्रोसिन हुई, ये सारी की सारी दवा जो है ट्रेड नेम होती है पैरासीटामोल का ही, मतलब इनके अंदर जो सॉल्ट होता है वो किसका होता है पैरासीटामोल का एंड पैरासीटामोल का जो केमिकल नेम मैंने आपको बता दिया एसिटामिनोफेन। तो पैरासीटामोल का मेन काम क्या होता है, पैरासीटामोल का मेन काम होता है ये होता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब होता है कि अगर बॉडी के अंदर बुखार है, टेम्परेचर हाई है तो वो बुखार को कम कर देगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये वो वाला बुखार कम नहीं कर सकता जो कि हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ है, जिसके अंदर जो है आपका बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ बाहर से गर्म होता है। नॉर्मल जो पायरेक्सिया होता है उसके अंदर आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ गर्म होता है, मतलब कोर का टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर दोनों गर्म होता है। लेकिन जो हीट स्ट्रोक के केसेस होते हैं उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर का होता है और उसके अंदर ये पैरासीटामोल जो है इफेक्टिव नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है कि पेन के अंदर ये बहुत ज्यादा फायदा देती है पैरासीटामोल। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो इनहिबिट करती है एक एंजाइम को जिसका नाम होता है कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज। एक पाथवे होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज बॉडी के अंदर जिसको ये पैरासीटामोल लाइक ड्रग्स इनहिबिट करते हैं। पैरासीटामोल हुआ, ऐसे ही एक ड्रग होता है आपका एस्पिरिन, उसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे। एस्पिरिन भी जो है क्या करता है, कॉक्स को इनहिबिट करता है। तो वो कॉक्स का क्या फंक्शन है उसको हम जरा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं आपके क्या, सेल के अंदर होता है आपके फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ा जाता है आपका अराकिडोनिक एसिड के अंदर, इसको तोड़ता है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। जो एंजाइम तोड़ेगा उसको बोला जाएगा फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, इसको बोलता है फॉस्फोलाइपेज A2। ये एंजाइम का नाम है जिसको तोड़ता है। ये अराकिडोनिक एसिड आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है आपका दो चीज के अंदर, या तो वो होगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिंस के अंदर या फिर होगा आपका ल्यूकोट्राइन्स के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिंस और ल्यूकोट्राइन्स बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फ्लेमेशन कराने के लिए। किस लिए होते हैं, इन्फ्लेमेशन कराने के लिए। तो इसका जो है इनहिबिशन जो है कोई और ड्रग्स कराते हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिंस का जो बनना होता है उसको इनहिबिट कराते हैं आपके पैरासीटामोल लाइक ड्रग्स। ठीक है, और आप कई बार स्टेरॉइड्स के बारे में सुनते हैं कि स्टेरॉइड दे दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो यहाँ पर एक्ट करते हैं। तो अगर स्टेरॉइड यहाँ एक्ट करते हैं और आपका जो पैरासीटामोल लाइक ड्रग्स है वो यहाँ एक्ट करता है, लेकिन दोनों का काम क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिंस के बनने को रोकते हैं। ठीक है, दोनों का काम क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिंस के बनने को रोकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेरॉइड की वजह से रुकता है ये बनना और यहाँ पर जो है इन ड्रग्स की वजह से रुकता है। इसलिए इन ड्रग्स की जो कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन होती है, उसको बोला जाता है NSAIDs। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि ये स्टेरॉइड नहीं है इसको बोला जाता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एंड ये क्या रोक रहे हैं, आपका इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। किसको रोकते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पेन कराने के लिए। किसके लिए होता है, पेन कराने के लिए। आपका जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसको जो सेंसिटाइज करता है वो प्रोस्टाग्लैंडिंस ही करता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं नर्व फाइबर होते हैं अलग अलग जगह पर, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे कोई भी आपका बॉडी पार्ट हो, प्रोस्टाग्लैंडिंस होता है वो सेंसिटाइज कर देता है आपके फाइबर को पेन के लिए, मतलब वो कम थ्रेशोल्ड पर जो है पेन जनरेट करने लगेगा। तो इन्फ्लेमेटरी साइड पर जैसी प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होता है वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पैरासीटामोल दे देंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडिंस वहां पर बनने बंद हो जाएंगे। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिंस बनने बंद होंगे वहां पर नर्व फाइबर को जो है पेन का स्टिमुलस कम मिलेगा, मतलब वो सेंसिटाइज नहीं करेंगे। तब नर्व फाइबर को सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, पेन रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इनको यूज किया जाता है एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो ड्रग होते हैं जिनको पेन कम करने के लिए यूज किया जाता है, एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक भी इनका एक्शन होता है। एक एक्शन मैंने आपको बताया एंटीपायरेटिक, एक होता है एनाल्जेसिक। और कई बार देखा जाता है कि इसका जो है इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं होता, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं होता।
मैंने आपको भी बताया था कि NSAID जितने भी होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, लेकिन लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि पैरासीटामोल एक ऐसा ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन को नहीं रोकता, मतलब ये आपका पेन को रोकेगा, ये आपका टेम्परेचर भी कम करेगा, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन को नहीं रोकेगा। अगर बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है ये नहीं रोकता। इसके पीछे की क्या थ्योरी है वो हम समझते हैं कि ये अपने आप में यूनिक क्यों है, ये इन्फ्लेमेशन को क्यों नहीं रोकता। तो उसके पीछे की लॉजिक ये है कि जहां भी इन्फ्लेमेशन होता है, जहां भी इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर कुछ केमिकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ कई बारी नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस मतलब होता है सेल डेथ। तब सेल डेथ होने लगेगा ना तो वहां पर जो है कुछ एंजाइम्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। उन एंजाइम्स के अंदर सबसे पहला होता है आपका H2O2 हाइड्रोपरोक्सीडेज। H2O2 होता है, परोक्साइड्स होते हैं ये। H2O2 जो होते हैं कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि नेक्रोसिस के अंदर हेल्प करते हैं, सेल डेथ के अंदर हेल्प करते हैं। तो H2O2 क्या करता है, आपके पैरासीटामोल को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, इनएक्टिव। तो जिस साइट पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है अगर वहां पर पैरासीटामोल पहुंच भी जाता है तो उसको H2O2 क्या कर देता है, इनएक्टिव। जैसे ही H2O2 उसको इनएक्टिव करता है उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट वहां से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक लॉजिक दिया जाता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों नहीं होता पैरासीटामोल। एक और लॉजिक होता है कि पैरासीटामोल होता है ये सिर्फ आपके ब्रेन के रिसेप्टर्स पर काम करता है। तब आपके ब्रेन के रिसेप्टर पर काम करेगा तो सिर्फ ये पेन वाले रिसेप्टर पर काम करता है, ठीक है, पेन वाले पर, जिस वजह से पेन की सेंसेशन कम हो जाती है, ठीक है। एक तो लॉजिक ये है, और एक और लॉजिक दी जा रही है कि अगर ये टेम्परेचर को कम करता है तो वो टेम्परेचर को कैसे कम करेगा। टेम्परेचर को कम ऐसे करता है कि ये ब्रेन के अंदर आपका हाइपोथैलेमस होता है। आपको पता होगा ब्रेन के अंदर एक आपका थर्मोस्टैट होता है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो पैरासीटामोल क्या करता है, हाइपोथैलेमस को रीसेट कर देता है, मतलब थर्मोस्टैट को रीसेट कर देता है, जिस वजह से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट दिखाता है, आपका पायरेक्सिया जो है शट डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इसको बुखार के अंदर यूज किया जाता है, पायरेक्सिया के अंदर यूज किया जाता है। ये पैरासीटामोल का एनाल्जेसिक यूज है, ये एंटीपायरेटिक यूज है, एंड ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज नहीं होता। ये आपको याद रखना है। कई बार लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी में पैरासीटामोल देते हैं, लेकिन एस्पिरिन जो होता है, जिसके हम बारे में कभी और बात करेंगे, एस्पिरिन जो होता है वो ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है रादर देन योर पैरासीटामोल। एंड पैरासीटामोल की जो ड्रग डोज होती है आजकल ह्यूमंस के अंदर जो अवेलेबल है वो है 325 से लेकर 600 या 625 mg, ठीक है। ये जो होती है नॉर्मल डोज होती है एडल्ट के अंदर जो आ रही है आजकल, ठीक है। लेकिन जो दिक्कत ये है कि पैरासीटामोल टॉक्सिक भी हो सकता है कई बारी। पैरासीटामोल एक ऐसा ड्रग है जब आपको जरूरत है आप खा सकते हैं, मतलब 4 बार दिन में आप इसको खा सकते हैं। नॉर्मली जो ड्रग्स होते हैं आप उनको 3 बार खा सकते हैं दिन में, सुबह दोपहर और शाम, लेकिन पैरासीटामोल को आप 4 बार भी खा सकते हैं क्योंकि इसका जो टॉक्सिसिटी वाला इंडेक्स होता है वो काफी ऊपर होता है। आप अगर इसकी डोज ज्यादा बढ़ाएंगे तब जाकर बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होती है। एंड सबसे कॉमन टॉक्सिसिटी क्या होती है, आपकी हेपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब आपका जो लीवर है वो जो डैमेज होना शुरू हो जाएगा अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पैरासीटामोल खा लेंगे। उसको बोला जाता है पैरासीटामोल पॉइजनिंग, ठीक है। तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग भी हो सकती है अगर आप लिमिट से ज्यादा गोलियां खा लेते हैं। एक और जो कॉमन चीज देखी जाती है इन NSAID ड्रग्स के बारे में वो होती है आपका पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, जब स्टमक के अंदर आपके छाले बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं। स्टमक के अंदर अल्सर्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि नॉर्मली आपके स्टमक के अंदर जो एसिड होता है HCl वो सिक्रीट होता रहता है, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं, ये वाले जो केमिकल्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस, वो इसके रिलीज को क्या करते हैं, रोकते हैं, इसके रिलीज को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। किसके रिलीज को, HCl के। लेकिन अगर आप ये वाली दवा खा रहे हैं जिनको बोला जाता है NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वो क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिंस को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन तो आपका इनहिबिट हो गया, जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट होता है वैसे ही आपका HCl ज्यादा बनने लगता है, क्योंकि यही वो केमिकल था जो HCl को रोकता था, ठीक है। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन हटता है आपका HCl बढ़ने लगता है। एंड स्टमक के अंदर जैसे ही HCl की सिक्रीशन बढ़ जाती है वो स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करता है, इफेक्ट करता है, उसको खत्म करने लगता है, उसको क्या करता है, कोरोड करता है। कोरोड मतलब उसको इंजर करता है, इंजरी हो जाती है वहां पर, उसको बोला जाता है वहां पर क्या हो गया, आपके अल्सर्स हो गए। तो NSAID का जो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है पेप्टिक अल्सर्स, मतलब पेप्टिक अल्सर्स में अवॉइड किए जाते हैं आपके ये वाले ड्रग्स। तो कोई और ड्रग्स भी आप दे सकते हैं, लेकिन पैरासीटामोल इतना अच्छा ड्रग है कि उसके बहुत कम चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर करने के। अगर मैं एस्पिरिन की बात करता हूं तो एस्पिरिन बहुत ज्यादा पेप्टिक अल्सर्स करता है, इसलिए एस्पिरिन को तो हमेशा अवॉइड किया जाता है। लेकिन आपका जो NSAID है वो बहुत कम इफेक्ट डालते हैं आपके HCl वगैरह पर, ठीक है। तो आप इसको जो है नॉर्मली दे सकते हैं गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स के अंदर, बट और भी ड्रग्स आते हैं आप उन पर भी जा सकते हैं। मेरा मतलब यह था बताने का कि ये कम इफेक्ट डालता है, बस इतना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक के ऊपर।
और भी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं पैरासीटामोल को लेकर, जैसे कि किडनी के ऊपर मैं बात करता हूँ, किडनी के ऊपर बहुत कम इफेक्ट डालता है ये आपका पैरासीटामोल लाइक ड्रग्स। एंड आपका जो सीएनएस वगैरह होता है, सीएनएस को ज्यादा सेडेटिव वगैरह नहीं होता, मतलब आपको हेलुसिनेशन नहीं होंगे, आपको नींद नहीं आएगी इस गोली को खाकर, इसलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोस्टली आपके बुखार के अंदर, आपके पेन के अंदर। इसलिए आज पैरासीटामोल जो है मार्केट का सबसे बड़ा डोमिनेटिंग नाम बन चुका है। एंड कोविड टाइम के अंदर जो भी पेन होता था, जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा था, डॉक्टर्स उसको दे रहे थे, लेकिन आपको याद रखना है कि इन्फ्लेमेशन के अंदर ये दवा काम नहीं करती है। जो आपका डोलो है, जो आपका कोरोसिन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेम्परेचर को और आपके पेन को कम करता है, ठीक है। एंटी पायरेटिक एंड एंटी एनाल्जेसिक है, सॉरी एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक है आपका ये पैरासीटामोल लाइक ड्रग। तो पैरासीटामोल अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है, अगर पैरासीटामोल खा लिया तो आधी बीमारी तो आपकी साइकोलॉजिकली ठीक हो जाती है। अगर नॉर्मल आपको खांसी भी होती है, कोल्ड हो जाता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें लोग आजकल पैरासीटामोल खाते हैं, उनको ये लगता है कि पैरासीटामोल खाने से जो है उनका बुखार जल्दी खत्म हो जाएगा, उनका जो वायरल इन्फेक्शन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो काफी गलत परसेप्शन होता है कि वायरल के अंदर भी आप लोग पैरासीटामोल खाते हैं, क्योंकि वायरल जो होता है बीमारी वो जो है आपका वायरस की वजह से होती है, ठीक है। पैरासीटामोल किसी भी लेवल पर वायरस को मारता नहीं है, तो वायरस को मारता नहीं है तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा बस इतना होता है कि आपके टेम्परेचर को कम करता है, एंटी पायरेटिक होता है, और अगर सर में दर्द होता है तो एनाल्जेसिक होता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि वायरल के अंदर आपको ज्यादा दवा नहीं खानी चाहिए, वायरल वाला जो होता है वो खुद ही जो है थोड़े दिन बाद सबसाइड हो जाता है। वायरस आपका जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो वायरस को खुद मारता है और थोड़े दिन बाद जो है वायरल ठीक हो जाता है। आपको ज्यादा दवाई नहीं लेनी है फालतू की, क्योंकि होता क्या है ना, एक टाइम के बाद अगर ज्यादा दवा लेने लगते हैं तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, आपका लिवर डैमेज होने लगता है, किडनी डैमेज होने लगती है। तो ये सारे के सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं दवाओं के, कि दवा क्यों नहीं लेनी चाहिए, मतलब फालतू में लोग दवा खाते रहते हैं कि इस चीज की दवा खा लेता हूँ, उस चीज की दवा खा लेता हूँ। तो आपको दवाई ज्यादा नहीं खानी है लाइफ के अंदर, आपकी बॉडी ऑलरेडी इतना मैकेनिज्म रखती है कि वो सारी की सारी बीमारियों को मार देगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, एंड बहुत बात कर लिया तुमने पैरासीटामोल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।